नमस्कार बच्चों, आप सभी को पता होगा समीक्षा अधिकारी की डेट आ चुकी है। 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी का पेपर है, साथ ही एक्सपेक्टेड डेट यूपीपीसी 2024 की मार्च में बताई जा रही है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस 2024 के लिए रामबाण सीरीज चलने जा रही है। इसके अंतर्गत क्या फीचर्स रहेंगे, क्या प्लान है कि टॉपिक वाइज प्लस सब्जेक्ट वाइज भी, मतलब सब्जेक्ट वाइज और उसके अंतर्गत क्या टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कराए जाएंगे। जितना भी प्रीवियस ईयर आईएएस का होगा, पीसीएस का होगा, विभिन्न मतलब पीसीएस में यूपीपीसीएस नहीं, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस और अपडेटेड क्वेश्चन तक होंगे। ये नहीं है केवल प्रीवियस ईयर बहुत ओल्ड क्वेश्चन हो, सभी क्वेश्चन। तो एक उससे अंदाजा लगेगा कि इस प्रकार आपको पढ़ना है और इन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से उस टॉपिक को भी कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो बस आपको क्या रखना है, कंटिन्यू रहना है और इसमें दूसरी चीज क्या रखनी है, आपको रेगुलर रहना है, ठीक है। मतलब आप जैसे यहां से क्लास अपलोड होती है तो उसी दिन आप क्या कर लिए इसको देख डालिए, वरना जो है बढ़ता जाएगा। इधर पॉलिटी स्टार्ट होगी, उधर हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से ऐसे सारे सब्जेक्टों को कवर किया जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग जो चल रहे हैं आगे टॉपिक पर। देखिए भारतीय संविधान और राजव्यवस्था का पहला टॉपिक है, जो पहला टॉपिक क्या है, भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। तो इस टॉपिक को कवर करेंगे और साथ साथ जो है क्वेश्चन आंसर तो करेंगे, जो अदर इंफॉर्मेशन होगी वो भी रखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा किया जा रहा है। आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं नोट भी कर सकते हो, क्लियर आया, क्लियर। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत, तो इसको हम लोग देखें कौन सा अधिनियम है, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो ये वाला चीज हम लोग इसको भी देखते हैं कैसे क्या है। 1892 में क्या हो रहा है, इसमें एक और चीज खास होती, पहली बात तो बजट पर बहस, ठीक है, प्लस चुनाव पद्धति की शुरुआत भी कहां से हो रही है, किससे हो रही है, क्वेश्चन है चुनाव पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है, 1892। बजट तो ज्यादा ही पूछा जाता है, प्लस 1861 का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखे आंसर तो इसका ये हो गया, लेकिन मैं चारों ऑप्शन के बारे में चर्चा करूंगा। 61 में आप ध्यान रखिएगा पोर्टफोलियो सिस्टम में समझ रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या किया गया, विभिन्न विभागों में कार्यों को बांटा गया, उनके माध्यम से कार्य किए गए, जिसे कह सकते हो कैबिनेट व्यवस्था। कैबिनेट व्यवस्था कहां से देखा जाए, उसका सूत्रपात हो रहा है कहां से, 1861 से। प्लस इसमें एक और चीज, जो कानून निर्माण में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया, किसमें, 1861 में। कहा जाता है प्रशासन में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया वो 1833 में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कानून निर्माण में 61 में और प्रशासन में भारतीयों को शामिल किया गया 1833 में, क्लियर। पूरा तो डिटेल नहीं बता रहे हैं, लेकिन छोटी चीज बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। प्लस 1861 में एक और चीज, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या था, ये आपका बंबई था, इधर कलकत्ता था, इधर कौन था, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो इन दोनों को किसके अधीन कर दिया गया था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन, किसके अधीन कर दिया गया था, कलकत्ता। तो अब ये दोनों बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी किसके अधीन थे, कलकत्ता के। तो 1833 में केंद्रीकरण को और बढ़ावा दिया गया था, तो 62 में क्या किया गया, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया, किसको दिया गया, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब फिर से इनको पावर्स किसको दे दी गई, बंबई को और मद्रास को, क्लियर। तो ये भी बात आ सकती है, तो आपको 1861 भी हो गया। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ये जानते ही हो, इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो भी, क्लियर, मार्ले मिंटो। तो मार्ले कौन थे, राज्य सचिव थे, भारत के राज्य सचिव, स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, क्लियर। और मिंटो कौन थे, वायसराय थे, कौन थे, वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आता है भारतीय सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा था, तो मार्ले को नहीं, मिंटो कहा था, किसको कहा था, मिंटो। देखिए ये सांप्रदायिक निर्वाचन के पक्ष में नहीं थे, पक्ष में कौन था, मिंटो। फाइनली लेकिन ये लागू हो गया 1909 के अधिनियम से, और देखा जाए यहीं से पाकिस्तान की नींव पड़ी, मतलब पाकिस्तान के उदय होने की नींव किसको अधिनियम को आता है, 1909। एक और चीज समझिएगा, एक प्रतिनिधि मंडल जाता है मिलने के लिए, अंग्रेजों से मिलने के लिए प्रतिनिधि मंडल मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन संबंधित
मांग के लिए जाता है तो उसके जो हेड होते हैं वो आगा खान होते हैं। कौन होते हैं? आगा खान। ये भी क्वेश्चन आ चुका है वहां पे, सलीमुल्ला खान, आगा खान, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सब ऑप्शन रखेगा तो इसको लगाना होगा आगा खान। तो उन्हीं की मांग के परिणाम स्वरूप क्या कर दिया गया, 1909 का क्या आया, मार्लियामेंटो वायसराय वाला जो आया। क्लियर? अगला बढ़ रहे, मार्लियामेंटो अधिनियम फिर आ रहा है। क्यों? ये जो आगा खान, जो ये लोग थे आगा खान हो, सलीमुल्ला खान हो, ये 1906 में क्या बना रहे थे, मुस्लिम लीग। किसकी स्थापना कर रहे थे? मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ होती है बच्चों? ढाका में। उसका मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? लखनऊ में। तो दिमाग में रखिएगा ये भी बात। आगे बढ़ रहे हैं तो भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में तो बहुत कुछ बताने को है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा जो हम लोग चले, थोड़ा सा इसको समझते हैं। किसको? भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए एक है 1919 और एक है 1935। दिमाग में रखिएगा 1919 में क्या हो रहा है, प्रांतों में द्वैत शासन। कहां पर है? प्रांतों में द्वैत शासन। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन हो रहा है। 1935 में क्या हो रहा है? केंद्र में द्वैत शासन। कहां पे? केंद्र में द्वैत शासन। ठीक है, फिर 1919 में क्या हो रहा है, जो दो विषय रखे गए थे हस्तांतरित, और कौन से विषय थे, और जो दूसरा विषय कौन था, आरक्षित। सॉरी, जो हस्तांतरित विषय थे उसमें किसको रखा गया था? स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन को रखा गया। इसी हस्तांतरित में किसको रखा गया? शिक्षा को रखा गया। और किसको रखा गया? स्वास्थ्य को। किसको रखा गया? स्वास्थ्य को। जबकि आरक्षित में किसको रखा गया? पुलिस। ठीक है, न्याय व्यवस्था, ये सब चीजें किसमें आ गई? आरक्षित में। तो ये भी दिमाग में रखिएगा, ये किसमें आरक्षित स्थानांतरित की बात हो रही है, 1919 के अधिनियम में। क्वेश्चन आया है 2022 में भी मिलेगा, इनमें से बताइए किसमें, कौन से आरक्षित विषय, जो आरक्षित विषय में शामिल कौन से विषय थे, जो आरक्षित रखा गया उसमें कौन से विषय शामिल थे, तभी तो कर पाओगे जब क्या आपको पता होगा, जानते होंगे। फिर आइए दूसरी बात, जो 1919 का अधिनियम है इसमें क्या किया गया, अभी तक जो प्रथम निर्वाचन था केवल मुस्लिमों के लिए था, किसके लिए था, अब इसको आगे बढ़ा दिया गया, सिखों के लिए कर दिया गया, ठीक है, फिर और बढ़ा दिया गया, एंग्लो भारतीयों के लिए कर दिया गया, यूरोपीय लोगों के लिए कर दिया गया। कहने का मतलब इसको क्या कर दिया गया, विस्तार दे दिया गया। जो क्वेश्चन आ जाए, संप्रदाय निर्वाचन का विस्तार किस अधिनियम में किया गया, 1919 के अधिनियम में। फिर आइए और मैं बात क्या बता रहा हूँ, 1919 में और क्या किया गया, बजट को प्रथा किया गया। बजट को क्या किया गया, मतलब केंद्र का बजट अलग, राज्य का बजट अलग, प्लस क्या किया गया कि हर 10 वर्ष पर जांच होगी, जो भी कार्यों की क्या होगी, हर 10 वर्ष पर जांच होगी। इसी का परिणाम था कि साइमन कमीशन का बनना। साइमन कमीशन कब बना था? 1928 में क्या आया था, भारत आया था। साइमन कमीशन के बारे में बताइए क्या सिफारिश थी, वो भी सांप्रदायिक निर्वाचन का सपोर्ट कर रहा था। साइमन कमीशन भी सांप्रदायिक निर्वाचन का कर रहा था, लेकिन उसने एक चीज और की कि संघीय व्यवस्था का समर्थन कर रहा था। क्या? अखिल भारतीय संघ भारत बने इसका क्या कर रहा था, समर्थन। ये भी बातें पूछी जा सकती है। चलिए तो 1919 के अधिनियम में समझ गए, कुल मिला के समझ लीजिएगा कि प्रांतों में द्वैत शासन है 1919 के अधिनियम में, प्लस द्विसदनी व्यवस्था। द्विसदनी व्यवस्था की बात किसमें हो रही है, 1919 में, मतलब डबल हाउस रहेगा, राज्यसभा और लोकसभा। उस समय लोकसभा को क्या कहा गया, विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, और राज्यसभा को क्या कहा गया, राज्य की परिषद। क्वेश्चन है लोकसभा राज्यसभा का किस अधिनियम में वर्णन कर दिया गया, 1919 में। अच्छा 1935 में हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका उल्टा है। केंद्र में क्या किया गया, द्वैत शासन, तो यहां से द्वैत शासन हट गया, कहां से हट गया, प्रांतों से द्वैत शासन हट गया, तो मतलब प्रांतों को क्या मिल गई, स्वायत्तता, प्रांतों को स्वायत्तता मिली, और एक संघीय व्यवस्था का सूत्र प्राप्त हुआ, किसका, संघीय व्यवस्था। फिर आगे इसकी चर्चा करेंगे, इसी के थ्रू 1935 से आरबीआई बना, इसी के थ्रू संघीय न्यायालय बना, ये सब चर्चा आगे होगी। क्लियर? फिर आगे अब हम लोग चल रहे हैं, तो इसका हम समझ के चारों के बारे में। चलिए फिर आ रहे हैं हम लोग, देखिए अगला, सूची एक तथा सूची दो को सुमेलित कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। जो है आप क्या, नियंत्रण परिषद की स्थापना, बच्चे नियंत्रण परिषद का नाम फिट्स इंडिया एक्ट 1784 याद रखिएगा। कंट्रोल जो है आपका, ये कोर्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, कोर्ट ऑफ कंट्रोल, ये है आपका किसमें, जो आपका नियंत्रण परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी कोर्ट ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। फिर एक आया था जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, वो किसमें बना था, 1773 में। देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसमें बना था, डायरेक्टर वाला जो बना था वो किसमें बना था, 1773 में, लेकिन जो
कंट्रोल बोर्ड बना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसमें बना, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, क्लियर। फिर 1784 के बारे में और क्या है 1784 में, यही पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके राजनीतिक कार्य और कौन से कार्य, वाणिज्यिक कार्य, मतलब राजनीतिक कार्यों को व्यक्त कर दिया गया और व्यापार वाले कार्यों को क्या कर दिया गया, व्यक्त किया गया। ये भी पूछ सकता है किसमें किया गया, 1784 ब्रिट्स इंडिया एक्ट, बहुत थोड़े समय के लिए बना था ये। फिर आइए तो इसका मिला दें, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जानते ही हो, कब की गई, ये 2020 में 16 का पेपर समीक्षा अधिकारी आया था उसमें क्वेश्चन आया था सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संबंधित, बच्चे किसमें की गई थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, ये नियामक अधिनियम, बताइए कब की गई, फाइनली की तो इस अधिनियम द्वारा की थी, कब की गई थी, 1774 में, किसके लिए था, नाम सुप्रीम कोर्ट लेकिन था उस किस क्षेत्र के लिए, कलकत्ता के लिए, कौन इसका जो चीफ था, एलिजा इम्पे थे, कौन थे, एलिजा इम्पे, क्लियर, एलिजा इम्पे, और जो अदर वाले कौन थे, हाइड हाइड लेमेस्टर लेमेस्टर और चैम्बर्स चैम्बर्स, क्लियर। तो तीन एक चार याद रखिएगा। फिर आइए इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की अनुमति, बच्चे किससे मिली, 1813 में, और नीचे जा रखोगे इंग्लिश मिशनरियों को अनुमति मिल रही है, प्लस क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें, शिक्षा पर पहली बार जो है 1,00,000 रुपए व्यय करने की बात की गई, व्यवस्था की गई, ठीक है। फिर जो है एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टी, ठीक है, और चाइना, मतलब चाय के साथ और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सभी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या है, कंपनी के क्या कर दिए गए, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया ना, मोनोपोली व्यापार में क्या कर दी गई उनकी, खत्म की गई, किसको छोड़ के, चीन और चाय के साथ। मतलब क्या हुआ, ब्रिटेन से बहुत सारी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आना चाहती थी, लेकिन हुआ क्या कि केवल चीन और चाय के साथ ब्रिटिश इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी और कोई नहीं करेगा, लेकिन अदर क्षेत्र में वहां से जो कंपनी आना चाहती थी वो किसी चीज का भी क्या कर सकती है, वह व्यापार कर सकती है, समझ पाए कि नहीं। मतलब इन दोनों में अभी केवल और केवल कौन करेगा ब्रिटेन की ओर से व्यापार, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं ब्रिटेन वाले, वही बात जैसे पिताजी हैं लड़के को संभालने दे, फिर लड़का इतना ज्यादा संभालने लगे कि पिताजी को ही क्या करे, भूल जाए। मतलब ब्रिटेन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजा और भारत में उस पर लगाम ना लगाई जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या करने लगेगी, शासन चलाने लगेगी, पैसा भेजे या ना भेजे, कोई उनकी बात माने या ना माने, तभी इसको कंट्रोल करने के लिए इसकी पावर्स क्या की जा रही है, कम की जा रही है, क्योंकि बहुत जगह ब्रिटेन के उपनिवेश थे, वहां पर जो कंपनी गई वही क्या करने लगी, शासन सत्ता संभालनी, ब्रिटेन से मुक्त हो गई। चलिए फिर अगला देखते हैं, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किसमें हुई, चार्टर एक्ट 1800 जो चार्टर अधिनियम 1833, कानूनी समिति इसी समय बन रही है, इसके हेड कौन बनते हैं, मैकाले बनते हैं, कौन बन रहा है, मैकाले, बढ़िया के। चलिए अब हम लोग आ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए फिर अगला पूरा इस टॉपिक भी कवर करते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, देखिए इसको भी थोड़ा सा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, ठीक है 10,00,000। देखिए थोड़ा समझिएगा, संविधान सभा, देखिए मैं लिख रहा हूँ संविधान सभा, दो मिशन आते हैं, एक आया था क्रिप्स मिशन, कौन आया था क्रिप्स, और दूसरा कौन आया था कैबिनेट, कौन आया कैबिनेट। तो ये समझिएगा जो क्रिप्स मिशन आया उसने भी भारतीय संविधान के निर्माण की बात की, किसने की, क्रिप्स मिशन ने भी, क्रिप्स मिशन ने ये भी कहा कि कोई भी संघ इसमें से, मतलब जो ये जो बनेगा भारतीय संविधान सभा और जो ये भारत संघ है इसमें कोई भी रियासत शामिल हो सकती है या कोई भी रियासत इससे बाहर जा सकती है, ठीक है। क्रिप्स मिशन ने ये भी कहा कि जो है दो राष्ट्र सिद्धांत नहीं माना जाएगा, मतलब मुस्लिम लीग अपनी मांग कर रही थी दो संविधान बननी चाहिए, क्रिप्स मिशन ने उसको नकार दिया, कहा 1942 के बाद जो है क्या बनेगा संविधान, भारतीय संविधान बनेगा, कब 1942 का मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कह रहे हैं, कब कह रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन इसको फिर जब मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया तो वो वाली स्थिति बन रही, मतलब जो है कहने को समझौता टाइप का नहीं बन पा रहा है, कांग्रेस तो है समर्थन में लेकिन कौन समर्थन में नहीं इसके, मुस्लिम लीग नहीं है, फिर ये वापस चला गया, फिर फाइनली कौन बन रहा है, कौन मिशन आया, अच्छा ये क्रिप्स मिशन स्टोफर्ड क्रिप्स ही लेके आए थे इस मिशन को भारत में 42 में, तो ये सफल नहीं हो पाया। लेकिन कैबिनेट मिशन आया, अब कैबिनेट मिशन क्या कर रहा है,
उसने क्या सिफारिश दी, भारतीयों भारतीय संविधान बनाने के लिए क्या होनी चाहिए, संविधान सभा होनी चाहिए। क्लियर, ये बात कर रहे हैं कौन, और वो संविधान सभा किससे डिसाइड होगी, जो संविधान सभा में कितने मेंबर होंगे, भी डिसाइड हुआ कितने, 389। और ये 389 कहां से लिए जाएंगे, प्रांतीय विधानसभा से। कहां से लिए जाएंगे, प्रांतीय विधानसभा। इस चीज को समझिएगा, जनता नहीं चुन रही है, इनको कौन चुन रहा है, प्रांतीय विधानसभा। प्रांतीय विधानसभा का चुनाव कराया जाएगा, उसमें प्रत्येक सीट कितने जनसंख्या पर, 10 लाख उसकी बात हो रही है। वहां पे प्रांतीय विधानसभा में ये सारे क्या पहुंचेंगे, विभिन्न समुदाय के क्या पहुंचेंगे, सदस्य पहुंचेंगे। और यहां पर उन समुदायों के प्रतिनिधि इन समुदाय के सदस्यों से क्या करेंगे, बनेंगे। समझिए, कहने का मतलब ये है कि यहां पर बहुत सारे सिख हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं, अनुसूचित जाति हैं, बहुत सारे समुदाय संबंधित क्या हुए, सीटें पहुंची कहां पे, प्रांतीय विधानसभा में। और यहीं से हर समुदाय का प्रतिनिधि इस सब जो जिस समुदाय का प्रतिनिधि था अपने समुदाय के सदस्यों द्वारा क्या किया गया, चुना गया। कहां चुना गया, संविधान सभा में। थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। तो 389 सदस्य कहां चुने गए, प्रांतीय विधानसभा से। सीधी बात है, जनता ने नहीं चुना, किसने चुना, प्रांतीय विधानसभा ने। और प्रांतीय विधानसभा का चुनाव किससे हुआ, यहां जनता द्वारा। इसमें 10 लाख जनसंख्या पर क्या रखी गई, एक सीट रखी गई। प्लस क्या बात है, कितनी सीटें की बात रखी गई थी, 389। और 389 को तोड़ा गया 292, फिर 24 और फिर कितना, 93। 292 11 प्रांतों से आएंगे, कितने प्रांतों से, 11 ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से, ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से। चार गवर्नर वाले जो प्रांत होंगे भारतीय, वहां से कितनी सीटें आएंगी, 4। और प्लस 93 किससे आएंगे, देशी रियासत से। फिर चुनाव होता है जुलाई अगस्त में रिजल्ट आता है, 1946 का चुनाव हुआ, कौन सा प्रांति। तो उस चुनाव के अनुसार कांग्रेस को कितने मिले, और जो है फिर कौन पाया, जो आपका वो मुस्लिम लीग कितनी पाई, जो है मुस्लिम लीग को 73 मिले। अदर वाले को एक यूनिस्ट पार्टी, एक प्रजा प्रसाद कृषक प्रजा पार्टी, एक जितनी छोटी मोटी पार्टियां थी वो सब पाई। क्लियर, कुछ लोग स्वतंत्र भी जीते, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, फिर देखा गया समुदायों के आधार पर भी बांट दिया गया। जब यहाँ पर ये इतनी सीटें हो गई, फिर यहाँ पर जो पहुंचे समुदाय के आधार पर पहुंचे, किस आधार पर पहुंचे, समुदाय के आधार पे। जैसे हिंदू को कितनी सीटें मिली, हिंदू कितनी संख्या थी, दो हिंदुओं की सीट की बताइए, कोई बताएगा, 163 कितनी थी, मुस्लिम की कितनी थी 80, एससी की कितनी थी, 31, सिखों की कितनी थी, 4, ठीक है, ईसाइयों की कितनी थी, 6, कितनी थी, ऐसे बांट दिए गए। पारसी भी थे, बहुत सारे कह सकते हो विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधि किसमें थे, संविधान सभा में सम्मिलित थे, कहने का मतलब ये भी है। तो अब आइए, तो ये 292 11 ब्रिटिश प्रांतों से चुनाव हुआ पहुंचे, और ये 4 से, और 93 देशी, ये शामिल फाइनली संविधान सभा में नहीं हुए। मुस्लिम लीग भी जब पहली बैठक हुई संविधान सभा, वो भी शामिल नहीं हुई। तो कितने लोग पहली बैठक में शामिल हुए, भी याद रखेगा, 211। महिलाएं कितनी थी, 15। ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। कितने समय में बना, 2 वर्ष, संविधान जो बना कितने समय में, 2 वर्ष, 11 माह 18 दिन। कितना रुपया लगा, 64 लाख। कितना लगा, कितनी बैठकें हुई, 12 बैठकें। कितनी बैठकें हुई, 12। तो सारी बातें हमने यहाँ पर वर्णन कर दिया, कोई टेंशन नहीं, नॉर्मली एक ही बात है। संविधान सभा भले 389 सदस्यों में जनता से वोट पहुंचे नहीं पहुंचे, जनता ने इनको वोट देकर वहां नहीं पहुंचाया, किसने वोट दिया या किसने इनको पहुंचाया, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। तो इसलिए इनका चुनाव कैसा है, अप्रत्यक्ष है। कैसा चुनाव हो गया इनका, अप्रत्यक्ष, बस। और वो भी मैंने बता दिया किसकी कौन सीटें थी, और समुदाय के आधार पर बता दिया, कहा जाए समुदाय के आधार पर सीक्वेंस बताओ, तो भी मैंने बता दिया मेन समुदाय। क्लियर, फिर आइए कहां पहुंचा है अगला, एक मिनट देखिए, आपसे पूछा तो सिंपल गया, 10 लाख बच्चा जानता है, ठीक है, लेकिन आप एक कदम क्या चलो आगे चलो, ठीक। अब आइए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था, बताइए किया गया था क्या, बताइए किसमें किया गया था, सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था, क्रिप्स मिशन। कैबिनेट मिशन क्या है, 1946 में आया, इससे पहले कौन आ चुका था, क्रिप्स मिशन। फिर आई, अच्छा कैबिनेट मिशन जब आया उसमें भी ये बात की जा रही थी, मुस्लिम लीग कह रही थी कि जो है पृथक देश हमारा, उसके लिए संविधान अलग करो, मतलब एक संविधान हम दोनों लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुस्लिम जो कैबिनेट मिशन समझा ले गया मुस्लिम लीग को भी और कांग्रेस को। क्लियर, विभाजन की बात अभी ये कोई नहीं कर रहे, विभाजन कहां आएगा, माउंटबेटन योजना अलग है। हाँ, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में हिल्बर्ट बिल का उद्देश्य था,
जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय था यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। यही वाला सही है। एल्बर्ट मिल किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय। एल्बर्ट मिल का मतलब यही था कि भारतीय जो न्यायाधीश भी है किसी यूरोपीय की क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। तो एक हिसाब से क्या है, यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना मतलब निकल रहा है कि नहीं? क्लियर। फिर आइए, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो गया सही। अगला, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? किसने प्रस्तुत किया? आराम से देखिएगा, जो हम लोग देखें 1934, किसमें देखें 1934 में देखते हैं, एमएन रॉय कौन है? एमएन रॉय है। एमएन रॉय क्या कर रहे हैं? संविधान सभा का पहला विचार रख रहे हैं। कौन रख रहे हैं? 1934 में। 1934 में जो पार्टी के रूप में देखें तो कौन है? स्वराज पार्टी। कौन है? स्वराज पार्टी। उसने इसका पहले बार प्रस्ताव रखा कि संविधान सभा बनाई जाए। क्लियर। फिर जो है कांग्रेस ने 1935 में ऑफिशियल तौर पे कहा कि हाँ संविधान सभा बनाई जाए। क्लियर। फिर जो है नेहरू क्या कर रहे हैं? जेएल नेहरू क्या कर रहे हैं? जेएल नेहरू 1938 में कह रहे हैं भारतीय संविधान सभा बने, लेकिन किसके आधार पे? वयस्क मताधिकार के आधार पे। तो ये सारी बातें किसमें है? क्लियर। फिर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बाद में संभव नहीं हो पाया, संविधान सभा वयस्क मताधिकार पे नहीं बनी। क्लियर। फिर आइए, अब इसमें क्या संविधान के विषय में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। ये बात क्या है? ये सही है, सही। वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं। खुद ही सोचो, संविधान सभा को कौन चुन रहा है? प्रांतीय विधानसभा के सदस्य। क्या वो सब वयस्क ही होंगे? वो ठीक है, ऐसे भी सोच लो तो बात गलत है। ठीक है, ये क्या सेंटेंस है? वैसे सही है लेकिन इसके अनुसार गलत है। फिर क्या है? वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। क्या प्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा था? ये क्या है? ये भी बात क्या है? सही है। मतलब क्वेश्चन गलत है लेकिन लाइन क्या है? सही है। क्वेश्चन में गलत पूछा ना, वह बौद्धली निकाय थी। बिल्कुल बौद्धली निकाय थी, मैं बता रहा हूँ। मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस पार्टी थी, यूनिस्ट पार्टी थी, कृषक प्रजा पार्टी थी, बहुत सारी पार्टी थी उसमें। फिर उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी बात क्या है? सही है। बहुत सारी समितियां थी, संघ संविधान समिति थी, जो है नियमन समिति थी, मौलिक अधिकार समिति थी, पता नहीं कितनी सारी समितियां पड़ी, पढ़ोगे भी तो सारी समितियां थी, प्रांतीय समिति, बहुत सारी समितियां थी। तो ये भी बात क्या है? सही है। तो इसमें केवल जो गलत दिख रहा है, ठीक है, जो है वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये बात बिल्कुल सही थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ये बात क्या थी? गलत थी। क्या थी? गलत थी। यही सेंटेंस केवल दो हो सकता था, इन्होंने दो कोई ऑप्शन नहीं दिया। तो क्वेश्चन में ही क्या है? प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम, कोई ऑप्शन नहीं दिया, केवल क्या होना चाहिए था? गलत। केवल दो हो सकता था। क्लियर। फिर आइए आगे, देखिए अपने कॉन्सेप्ट में टिके रहिए, ये क्वेश्चन में कुछ प्रिंट प्रिंट हो सकता है। हाँ, बेवल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी, ये बिल्कुल सही बात है। इसी से मुस्लिम लीग भी खफा थे और कांग्रेस वाले अलग खफा थे। ठीक है, फिर आइए, बेवल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का जो है बंटवारा बच जाता। भारत के बंटवारे संबंधित कोई बात अभी 1945 में भी नहीं होगी, 46 में भी नहीं होगी, उस 43 में बात होगी, वो भी माउंट बेटन योजना कब आई थी? 3 जून 1947, उसमें बंटवारे की बात हो रही है। तो ये बात तो बिल्कुल क्या हो गई? गलत है। तो कौन सा सेंटेंस सही है? केवल बेवल योजना वाला। क्लियर, बढ़िया। फिर आइए, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? कथन ये सही और कारण क्या है? गलत है। अगला, ये 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस के पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया? कांग्रेस ने क्या नहीं प्राप्त किया? पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। कहां नहीं प्राप्त किया? बंगाल में प्राप्त नहीं किया। क्लियर। देखिए मद्रास में कांग्रेस बन रही है, बिहार में बन रही है, उड़ीसा में बन रही है, यहां पर प्राप्त कर रही है। अगला, पंजाब में भी नहीं प्राप्त किया था कांग्रेस ने। ठीक है, फिर आइए, कहां पर किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार दे दिया गया? अच्छा, किसमें दिया गया? 1861 में क्या दिया गया? कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में क्या कर सकता है? वृद्धि कर सकता है। क्लियर। फिर आइए, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइन वाइज बना सकता है इससे रिलेटेड। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या था? स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण तथा स्थायी अभियोग नहीं है। जब 1935 अधिनियम पढ़ोगे बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। 1935 अधिनियम में क्या कहा गया? एक अखिल भारतीय संघ बनेगा, राज्य और रियासत को एक इकाई के रूप में माना गया, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का क्या किया गया? बंटवारा किया गया। उसी में संघ सूची, संवर्ती सूची और क्या किया गया? राज सूची की बात की गई। ये सूचियों की बात किसमें हो रही है? 1935 के अधिनियम में। उसी के तहत क्या आया? बैंक आरबीआई की स्थापना हुई। उसी के तहत बर्मा क्या हुआ? अलग हुआ भारत से। उसी अधिनियम के तहत क्या हुआ?
संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, उसी अधिनियम के तहत प्रांतों को क्या मिली, स्वायत्तता मिली, ठीक है। लेकिन कहीं भी ये नहीं पढ़ोगे क्या है, देश के लिखित संविधान की बात आ रही है, ये 1935 अधिनियम ये बात नहीं है, ठीक है। और एक चीज, 1935 का अधिनियम भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत कहा जाता है, क्वेश्चन है भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत कौन है, 1935 का अधिनियम। बढ़िया, चलिए अगला पढ़ लीजिएगा सेंटेंस आ रहे, विधानमंडल के निर्वाचित जवाबदेह प्रतिनिधि बने, एक संघ की योजना पर विचार और भी संघ की बात कर रहा है, विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का क्या हो नामांकित, ये भी बात हो रही है। फिर आइए, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव दिया, प्रस्तावना का प्रस्ताव दिया किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने, कब दिया था, 13 दिसंबर 1946 बजे, कब दिया, 46, क्लियर। इसको कब स्वीकार किया गया, 22 जनवरी 1947, और यही प्रस्तावना जो क्या बनी, संविधान की प्रस्तावना बन गई, यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या बन गया, फाइनली प्रस्तावना, ठीक है। चलिए, जिसमें भारतीय संविधान का पूरा रूप प्रतिबिंबित होता है वही प्रस्तावना बनी, क्लियर। आगे आइए, किस अधिनियम, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, अभी मैंने जिक्र किया था, कौन सा, 1813 का चार्टर अधिनियम। फिर आ जाइए अगला क्वेश्चन, 1946 का चुनाव में पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार क्या की, अपनी सरकार बनाई, मुस्लिम लीग ने कहां बनाई, अभी आया था, बंगाल में बनाई। फिर आ जाइए, उधर वाला छूट तो नहीं कुछ गया है, ये पहला देश था ना, उधर वाला छूट गया ना, हाँ। अब यहां से ये चीज बताते रहिएगा, ये छूटा इधर वाला हिस्सा, ठीक है। अब आइए, ठीक है, भारत 1900, ये वाला छूटा तो नहीं है, छह वाला तो हो गया था ना, यहाँ पे छह वाला हो गया था ना नीचे, ये वाला कौन था, और मेरा हो गया था, ठीक है। अब आइए इसमें आइए, हाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अभी थोड़ा देखिएगा, हाँ, 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, अभी मैं गया था 1919 में प्रांतों में क्या था, द्वैत शासन की व्यवस्था थी। मुझे फिर देखिए, मुसलमानों के लिए प्रथम संप्रदाय निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था, ये तो बच्चे किसमें हो रही है, 1909 में हो रही है, किसमें, 1909। फिर आइए, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधानी शक्ति का हस्तांतरण, अभी हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय थे, तो ये भी बात क्या है, सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, 1 और 3, क्लियर। फिर आ जाइए, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, कौन हो गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, क्लियर। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, कौन सा है, 1833, क्लियर। फिर आइए, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, कौन थे अध्यक्ष स्वतंत्र भारत के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आइए, 1946 में निम्नलिखित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे, कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, क्लियर, याद रखेगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसके द्वारा भारतीय परिषद को समाप्त किया गया, ये बात सही है 1935 के द्वारा, क्लियर। फिर आइए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया, ये भी बात क्या है, अखिल भारतीय महासंघ, अभी मैं कह रहा हूँ, ये भी बात क्या है, सही है। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति क्या की गई, इस अधिनियम से प्रेरित है, याद रखिए, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा, ये भी शक्ति किससे है, 1935। लेकिन कहा जाए गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल की जो है जो अध्यादेश की शक्ति आई है वो किसमें कही गई है, 61 में, देखो बहुत छोटा डिफरेंस है, गवर्नर की बात किसमें की गई अध्यादेश जारी करने की, और ये राष्ट्रपति 1935, छोटी चीजें हैं, प्रशासन 1833, और जो है कानून के निर्माण में भारतीयों को शामिल होना 1800 इसमें था 1861 में, ठीक है, छोटी चीजें हैं। फिर आ जाइए, कहां पे हम लोग पूछे, फिर बताइए, फिर संविधान निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया गया, ये भी इसी का अंतर्गत है, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत क्या है, संविधानिक निरंकुशता का सिद्धांत। फिर भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, अभी मैं बता रहा था केंद्र सूची राज्य सूची, सब शक्तियों का विभाजन भी क्या है, ये भी है। फिर इस अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियों को
को गवर्नर जनरल को प्रदान की गई, जो अवशिष्ट शक्तियां ये भी याद रखिएगा, इसको प्रदान की गई गवर्नर जनरल। ये भी बात क्या है, सही है तो क्या होगा, सारे सेंटेंस क्या है? और नहीं बताओ तो एलिमिनेशन मेथड तो अपना सकते हो। पहली लाइन पक्का सही लग रही थी तो पहला तो इसमें है भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, क्लियर। आप फिर देखिए इसमें देखते दूसरा क्या, अखिल भारतीय महासंघ को प्रावधान शामिल किया गया, बिल्कुल बात सही है। अब इसमें दो नहीं है किसी में, इसमें भी दो नहीं, इसमें भी दो है तो वन नहीं है, इसमें दो है ही नहीं तो कौन सा हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो एलिमिनेशन मेथड का भी क्या करोगे, यूज करोगे। आगे आइए, फिर निम्नलिखित में से सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में क्या कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। फिर आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणित भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई, ये बात क्या है, सही है गलत है? तृतीय गोल में सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणित भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तृतीय गोल में सम्मेलन 1932 में हुआ था, किसमें हुआ था, 1932 में, तो उसमें भी चर्चा की गई, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार अधिनियम 1935 कहीं ना कहीं आया है, क्योंकि 32 एक बहुत बड़ी घटना थी, तो 1935 अधिनियम किसके थ्रू आया, ठीक है, तो ये बात क्या है, सही है। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों को एक संघ आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन के उपबंध किया गया, अभी मैं बात कर रहा था इसके, बिल्कुल किया गया, किसके रूप में, 1935 में क्या किया गया, भारत के सूबों मतलब स्टेट और किसके रियासतों को एक संघ आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब अखिल भारतीय संघ के रूप में किया गया था उपबंध की नहीं, ये भी बात सही, तो क्या होगा, दोनों सही है। अगला बढ़िए, फिर आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, बिल्कुल बात क्या है, सही है। अब इसी तरीके से यहाँ पे देख लीजिएगा, पहले याद हो तो रिवीजन हो जाएगा, क्या है, हाँ 22 जुलाई 1947 क्या अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज, क्लियर। और फिर 24 जनवरी 1950 क्या अपनाया गया, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। फिर आ जाइए 26 जनवरी 1950 राष्ट्रीय चिन्ह कौन अपनाया गया, राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक की लाट है, तो दिमाग में रहेगा तीनों, प्लस राष्ट्रपति का पद मतलब राष्ट्रपति बने कब से, 24 जनवरी 1950 से। अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950, क्लियर, उसी में राष्ट्रपति बने, बढ़ा गए। चलिए फिर अगला, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी चीजें हैं, 24 चीजें, इसमें कितना दिया है 21, तो ये भी गलत। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 होना चाहिए, मतलब 3 लंबाई होगी राष्ट्रीय ध्वज की, 2 क्या होगी चौड़ाई, इसने क्या लिखा है 3:5, तो कौन सा ऑप्शन, केवल एक, बढ़िया गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, आपको और भी चीजें दिमाग में रहनी चाहिए। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, बिल्कुल एक जीवन दस्तावेज है, आवश्यकता अनुसार इसमें संशोधन भी होता रहता है, तभी क्या करता है आवश्यकताओं की क्या करता है पूर्ति करता है, क्लियर। फिर है इसको एक गृहित संविधान मतलब अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, गृहित का मतलब क्या है, विभिन्न देशों से लिया हुआ, गृहित संविधान भी कहा था, ये बात क्या सही है गलत है, सही है। लेकिन गृहित संविधान इसीलिए आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसा थोड़ी है, क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति उसका एक फीचर है, उसमें ऐसी प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, तो ये बात क्या है, बातें दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अब देखो अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि 60 लगभग देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया, तब क्या किया गया इसमें, इन देशों जो भी देश की महत्वपूर्ण चीजें थी वो क्या की गई इसमें शामिल की गई, तो ये भी समझिएगा, तो ये बातें दोनों सही है। अगला, यहाँ हिंदी वर्ड सही ना लगे, इंग्लिश वर्ड वहां देख लीजिएगा, हिंदी माध्यम वाले भी, क्लियर। हाँ, भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को ही, बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें कितने अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन हुए, ये भी बात क्या है, बिल्कुल सही है। फिर डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की किसकी प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य क्या थे, शामिल थे, ये भी बात क्या है, सही है। फिर क्या है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने संविधान सभा में एक वयस्क, ठीक है, आ रहा है, हाँ छोटा थोड़ा सा करें,
चलिए क्या आपका क्वेश्चन है, मौलाना अब्दुल कलाम ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही। चलिए मान लीजिए आपको ये नहीं पता था। फिर लिखा है भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ, ये दीवार क्या है? सही है। तो अब बताइए आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, जब सभी सही लग रहे हैं, इसमें वन नहीं है, गायब है, इसमें जो है ही नहीं आगे के ऑप्शन, फोर्थ थर्ड नहीं दिख रहा है इसमें, तो कौन सा हो सकता है? उपरोक्त सभी। मान लीजिए एक ऑप्शन में डाउट था इसमें मौलाना में, बाकी तो तुम्हारे क्या थे ऑप्शन सही थे, तो यहाँ से चुन सकते हो, कुछ ऐसा मिल ही नहीं रहता, तो कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। बढ़िया। चलिए अगला, 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था? किसको दिया गया था वित्त विभाग? रफी अहमद किदवई को। अच्छा अभी जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की हम लोग प्रारूप समिति पढ़ रहे हैं, तो प्रारूप समिति कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 कब बनी? 29 अगस्त 1947 को क्या बनी? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति ठीक है। अध्यक्ष कौन रहे? बी आर अम्बेडकर। ठीक है अम्बेडकर, क्लियर। अब कहा जाए जो इनके अन्य सदस्य ने कौन थे, पहले सदस्य कौन हुए? गोपाला स्वामी आयंकर। फिर है कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर है मोहम्मद सादुल्ला। फिर के एम मुंशी। बच्चे ये केवल एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, ठीक है, के एम मुंशी। फिर जो है बीएल मित्र, कौन है? बीएल मित्र। और फिर कौन है? डीपी खेतान। तो क्वेश्चन आए किसने जो है बीमारी के चलते प्रारूप समिति के किस सदस्य ने बीमारी के चलते इस्तीफा दे दिया था? बीएल मित्र ने क्या दे दिया था? इस्तीफा। तो इनकी जगह आ गए थे माधवराव। कौन आ गए थे? माधवराव। तो याद रखिएगा माधवराव आ गए, क्लियर। फिर आ जाइए डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो इनकी जगह कौन आ गए बताइए? कृष्णामाचारी। कौन आ गए? कृष्णामाचारी, क्लियर। कृष्णामाचारी ये राजस्थान रियासत से प्रतिनिधि थे। कौन? कृष्णामाचारी। ये भी याद रखेगा, पूछा गया है, समझ पाए? तो ये चीजें देखो, ये बच्चों को सबको पता रहती है, उसमें क्या हो जाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखने का कृष्ण दोनों में क्या है, कृष्ण के नाम है माधव और वो भी क्या है? कृष्णामाचारी। दो कृष्ण नाम से आते हैं, माधव इस्तीफा के बाद और वो उनकी मृत्यु के बाद कौन आ रहे हैं? साक्षात कृष्ण आ रहे हैं, ऐसे समझिएगा, ठीक है। और वो के एम मुंशी जी कौन है? कांग्रेस के, ठीक है। और कोई कांग्रेस के इसमें नहीं है, क्योंकि वो देखिए कहा के राजस्थान रियासत क्या है, वो फाइनली भी कौन? कृष्णामाचारी। बढ़िया है। तो कुल कितने सदस्य हैं? 7 है। कितने जो पूरे जोड़े अम्बेडकर को हटा के इसमें कितने हैं, मतलब कहा जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा अन्य कितने सदस्य? 6। कुल में कितने लगा हुआ? 7। बढ़िया है। चलिए ये छोटी चीजें भी दिमाग में रखते चलेगा। भारतीय संविधान में 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया, क्लियर। संविधान सभा किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा। उसमें क्या टॉपिक इसमें टिक मारा ये, ठीक है। फिर आइए, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? कौन गठित अंतरिम जो है सदस्य नहीं था? बच्चे राधा कृष्णन। देखो जगजीवन राम, इनको क्या दिया गया था? श्रम। क्या मिला था? श्रम मिला था, ठीक है। फिर आ जाइए राजेंद्र प्रसाद, कृषि एवं खाद्य मिला था डिपार्टमेंट। और सी राजगोपालाचारी क्या थे? शिक्षा मिला था। क्या डिपार्टमेंट मिला था? शिक्षा। अब वही भारत स्वतंत्रता के बाद जो सरकार बनती है उसमें शिक्षा का विभाग किसको दिया गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अच्छा जो अंतरिम सरकार में कानून मंत्री कौन बना था? और जो भारत जो स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र भारत की जो पहली सरकार बनी उसमें मंत्री कौन बने? वही बी आर अम्बेडकर। कंफ्यूज करते हैं कभी, मौलाना अबुल कलाम आजाद लगा देते हैं कभी बच्चे, कभी जो सिराज गोपालाचारी। अगला जी, फिर आइए वो लिस्ट हम एक बार दिखाएंगे, पाई मित्रा है यहाँ पे लिखे उसको। हाँ, प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? प्रांतीय के सरदार पटेल। कौन थे? फिर संविधान निर्माती परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान समाप्ति के सलाहकार कौन थे? जो है बी एन राव। संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ संविधान समिति के कौन? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए जो समिति बनी थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति जो है संविधान शक्ति समिति बनी थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। विदेशी मामलों के भी कौन देख रहे थे?
ठीक है। अंतरिम सरकार में जो उपाध्यक्ष थे वो भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऐसे समझिएगा, ऐसे एक चीज ऐसे यहाँ पे प्रांतीय। इसके अलावा मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। जनजाति वाले क्षेत्रों के भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। और प्रांतीय वाले के भी कौन थे? सरदार पटेल। तो दिमाग में भी रखेगा। फिर आ जाइए अगला प्रश्न, ये इसमें मिलान करना था, कौन ऑप्शन हो जाएगा बताइए, कौन सा हो जाएगा? ए का कौन सा है? ए का सेकंड और बी का थर्ड। ए का सेकंड, बी का थर्ड। ए का जो है सेकंड है और बी का कौन है? बी का जो है थर्ड। सेकंड थर्ड कौन सा? ए ऑप्शन। अगला बढ़िए, हाँ, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? बी आर अंबेडकर। ये क्या वर्ड है देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात, ये क्या कह रहा है, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? कौन संघ प्रारूप समिति के सदस्य थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और कौन थे? गोपाला स्वामी अयंकर। दो लोग थे तो पहला और तीसरा, क्लियर। फिर आइए, किसने संविधान सभा कांग्रेस की, कांग्रेस भारत था, ऑस्टिन ने कहा था, ठीक है, किसने कहा था? ऑस्टिन ने। फिर आइए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या हुए? उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा क्या हुए थे? निर्वाचित हुए थे, क्लियर। फिर आइए, इधर छूट तो नहीं गया, छूट गया ना, हाँ, इधर वाले में कहां पहुंचे? इधर संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था, अभी लगाया था 22 जनवरी 1947। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? 1891 में। तो हुआ कहां हुआ था? महू में हुआ था, मध्य प्रदेश। फिर जो और इनका जो है निधन कहां हुआ था? दिल्ली 1956 में। दिमाग में भी रखेगा, जन्म की तारीख याद रखेगा 14 अप्रैल है, फिर कौन सी तारीख है? 14 अप्रैल, ये भी याद रखेगा। फिर आइए, किस वर्ष में जनगणमन भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? जनगणमन अपनाया जा रहा था 1950। फिर संविधान पांडुलेखन, वही पांडुलेखन को इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, वही प्रारूप समिति, कौन इनमें से सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे और तेजस्वी सादुल्ला अय्यर थे, ठीक है। फिर भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, तो सिंपल है। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? कब से किया गया? 26 जनवरी 1950। फिर आइए, भारत को एक संविधान में प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1900। संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना कब पारित की गई? 22 जनवरी 1947। कब पारित की गई, ठीक है। फिर आइए, भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी। यहाँ के कौन पीएम थे? एटली थे, उस समय कौन थे? एटली। और उससे पहले कौन थी? कंजर्वेटिव, उसके कौन थे? चर्चिल। ये भारत के पक्ष में नहीं थे लेकिन ये भारत की आजादी के पक्ष में थे, ठीक है, हाँ, आजादी के पक्ष में क्या, और भारत के उनका इनका रुख थोड़ा इनसे नरम था, ठीक है। फिर आइए, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? जानते ही हो, 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से? मुंबई प्रेसिडेंसी से। फिर आइए, जो है निम्नलिखित में से अधिनियम में किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? अभी मैं चर्चा कर रहा था इसकी, कौन? फिर भारत गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव में से किस एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव किस द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, क्लियर। फिर आइए, अब नए पेज पे आ गए, इस पे देख रहे हैं हम लोग, निम्नलिखित में से बस थोड़ा ही बचा है, ठीक है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, ठीक है। 74 क्वेश्चन है, 50 के तो आ ही गए, ठीक है, हाँ, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से कार्य किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, बात क्या है? सही है। फिर अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को भी पर्याप्त रूप से दिया गया, अभी मैं समझा रहा था कि सबको क्या मिला, पर्याप्त रूप से मिला था कि नहीं मिला था, ठीक है। फिर आइए, इसका निर्वाचन सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार पे किया गया, ये क्या हो गया गलत, मैंने कहा वैश्विक मताधिकार पे कैसे किया जाएगा जब प्रांतीय विधानसभा के सदस्य द्वारा चुना जा रहा है, ये बात क्या हो गई गलत। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6 अनुसूची पर आधारित थी, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार सीमित था, ये बात क्या है? सही है। चलिए फिर अगला जाइए, कहां पे हम लोग पहुंचे? 47। फिर देखिए इसमें क्या कहा है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? पहले उपाध्यक्ष कौन थे संविधान सभा के? पहले उपाध्यक्ष कौन बने थे? केव जो है एससी मुखर्जी है ना, एससी मुखर्जी। हालांकि देखिए संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष बन रहे हैं,
एक एस सी मुखर्जी भी बन रहे हैं और दूसरे कृष्णामचारी भी रहते हैं, कौन रहते हैं? लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दीजिएगा यहाँ पे? ठीक है, क्योंकि कृष्णामचारी के लिए कुछ और जरूर दिया होगा। हाँ, राजस्थान रियासतों का प्रतिनिधि करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे, ये क्या हो गए? बीटी कृष्णामचारी। एक प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी थे, प्रारूप समिति के मुद्रा कौन जो कौन थे? मूलतः के एम मुंशी थे। फिर अब ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, अभी बार बार आ रहा है इनका नाम, जवाहरलाल नेहरू। अगला फटाक्ष कहाँ पहुंचे? केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ? कौन सा हुआ? 1926 भी हुआ था, 1945 हुआ, लेकिन ये नहीं हुआ था, याद रखिएगा। कौन हुआ है? ये वाला भी और ये वाला, ठीक है, क्लियर याद रहेगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए और सी। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है पड़ी? तो देखिए, मैं भी बता रहा था पहली बार 1,00,000 रुपया की बात की गई भारतीय शिक्षा में व्यय किया जाएगा, किसमें हो रहा था? 1813 का चार्टर्ड एक्ट। फिर इसी के तहत इतना इसमें लेट लतीफी हुई रुपया खर्च करने के लिए, तो लगभग 10-12 साल बाद क्या बन पाया? 1823 में क्या बन पाया? जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, शिक्षा संबंधित ये भी थी समिति बनाई गई, जिसके मैकाले क्या थे? हेड थे। मैकाले से क्या थे? समिति के चीफ थे। फिर एक प्राच्य अंग्रेजी विवाद चलता रहा कि वो बताया गया प्राच्य शिक्षा सही है, वो बताया अंग शिक्षा सही, कहीं ना कहीं ये भी अंग्रेजी शिक्षा के क्या बना? न्यू का कारण बना। तीनों बातें क्या है? सही है। अगला बढ़ा चाहिए। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका यह कथन है। अल्पसंख्यकों के हितों भावनाओं के महत्व को कम करके आका, ये आइवर जेनिंग्स का है। किसका है? कभी कोई सेंटेंस बना के पूछ सकता है तो दिमाग में भी रखेगा, आइवर जेनिंग्स का। फिर आ जाइए, ये हो गया बात। फिर आइए, कहां पे पहुंचे हम लोग? इधर वाले हिस्से पे आ जाइए। हाँ, भारतीय संविधान के निर्माण में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बचे पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव, जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल असर था कि नहीं था? असर था, मतलब प्रस्तावना क्या थी? इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। फिर उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की क्या करती है? पूर्ति करती है, प्रेम्बल कहते हैं उद्देश्य को। यहाँ प्रेम्बल, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, बिल्कुल। संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें लिखा होता है हम भारत के लोग, तो भारत के लोग ही क्या कर रहे हैं? उसको आदेशित कर रहे हैं। राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं क्या? मुख्यमंत्री को आप डायरेक्ट वोट देते हो, विधानसभा के सदस्य के रूप में वोट देते हो, और बहुमत दल का नेता जो है किसी भी पार्टी का क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। तो ये बात क्या है? गलत है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? कौन सा हो गया? कहां पे लोग थे? अच्छा, फिर ये कौन सा? ए ऑप्शन। 1, 2, 3। फिर अगला, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्या था? जानते हो, 31 दिसंबर 1929। और जब रात के 12 बजेंगे तो 1930 तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो उसमें कौन सा अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन भी हुआ था 1929 में। उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने रावी नदी के किनारे जो है क्या क्या किया था? पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य या पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था, और उसी के तहत क्या था? 26 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 को इसलिए क्या मनाया गया? स्वाधीनता दिवस। तो उस 26 जनवरी को यादगार करने के लिए कांग्रेस ने स्थिति को क्या किया? संविधान जो है उन कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्या किया था बच्चों? मनाया था। इसी दिन 26 जनवरी को क्या किया गया? संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं? अगला, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों का अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल थे। याद ये भी याद रखिएगा कि इसकी उप समिति बनी थी। क्या बनी थी? उप समिति। उसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। और इसके लिए उप समिति बनी थी एस सी मुखर्जी थे। कौन थे? एस सी मुखर्जी, मुखर्जी, ठीक है, एस सी मुखर्जी थे। इसके कौन थे? जेबी कृपलानी। बढ़िया। चलिए अगला दिन, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अच्छे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, अलेक्जेंडर भी थे। तीनों क्या थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, और हेड कौन था? पैथिक लॉरेंस भी थे। लेकिन इसमें ये पूछा नहीं गया, इसमें कौन सदस्य नहीं है, तो कौन है? विलियम वुड नहीं है, ठीक है। रेडक्लिफ समिति जानते हो 1947 में बनी थी, ठीक है। क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए, क्लियर। भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या ऐसे ही राज्य स्वतंत्रता विधेयक कोई मतलब नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? सीमा को निर्धारित करने के लिए। अगला, संविधान अथवा अन्य के संबंध में लिखित कथनों पर विचार किए।
भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। ये बात क्या है? सही है। फिर 1937 के चुनाव में 8 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना, ये भी सही है। भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, ये भी बात क्या है? सही है। फिर भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, ये भी बात क्या है? सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं मिल पा रहा है जो इसमें बनाओगे। क्लियर? जो हम लोग कहा जाए कि तीन इसमें कौन गायब है, बल्कि 1 अक्टूबर 1937 को क्या बना था? संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला, फिर निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। 1935 के मुख्य विशेषताओं में से नहीं है, क्या कह रहा है? इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था? बिल्कुल था। भारतीय महासंघ किसमें था? 1935 में कौन था? अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए, अभी तो पढ़े थे। किसको आवंटित किए गए थे? गवर्नर जनरल को आवंटित किए गए थे। किसको किए गए थे? तो ये बात क्या हो गई? ये बात गलत है। इसने क्या कहा है? प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए थे, और रियल में किसको आवंटित किए गए थे? गवर्नर जनरल को। इसमें क्या दिया? प्रांतीय विधायकों को। ठीक है, अगला, प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत था, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। इनमें प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को क्या कर दिया गया? समाप्त किया गया, ये भी बात क्या है? सही है। अगला, ये बस खत्म होने वाले पे हम लोग देखिए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का क्या है? प्रमुख स्रोत है। बस यही, अब देखिए, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ऐसा थोड़ी 1947 अधिनियम के तहत मिली थी। फिर लिखा है भारत विभाजन लिखी थी, इसमें विभाजन की कौन सी बात की गई थी? फिर इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई, जिस रियासत समाप्त की बात कौन सी की गई, ये भी क्या है सर? गलत बातें लिखी है। फिर भारतीय संविधान के संदर्भ में द्वैत शासन के सिद्धांत, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार है, इसमें आया हुआ, आप लोग भी बताओगे। केंद्रीय विधानमंडल को 2 सदनों में विभाजन किया गया, अच्छा 2 सदनों में विभाजन कर दोगे द्वैत शासन शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों को शुरू किया जाना, ये तो संघीय व्यवस्था हो गई, केंद्र और राज्य के बीच का ये होता है क्या? संघ। तो ये तो, और ये क्या कह रहा है? द्वैत शासन। फिर क्या कह रहा है? 2 शासक समझा, एक लंदन में दूसरा दिल्ली में होना, ये क्या है? ये तो कंट्रोल की बात आने लगी। फिर प्रांतों में प्रत्यायोजित विषयों को किसमें बांटना? हस्तांतरित और किसमें, मतलब ट्रांसफर और कौन से, रिजर्व। यही चीज तो क्या कर रही है? द्वैत शासन दर्शा रही है। कौन चीज? ट्रांसफर और क्या है? रिजर्व। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अच्छा क्वेश्चन है, शानदार। जब ऐसे क्वेश्चन है थोड़ा सा रुको, आराम से समझो। क्लियर? बढ़िया। 1927 की पटकर कमेटी, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता निश्चित करना, भारत को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां, ये तो 1858 है। स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियों को लाया गया किसमें? 1858 में, क्योंकि सीओडी और बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टरेट, दोनों को क्या कर दिया गया? अबॉलिश किया गया, समाप्त कर दिया गया। किसको लाया गया? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये क्या था? कैबिनेट स्तर का था, ये ब्रिटिश संसद के प्रति सीधे उत्तरदायी था, रहता भारत में था, मतलब सीधे सीधे इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके थ्रू थी? संसद के थ्रू। क्लियर? चलिए, तो ये किसमें आया? 1858 के एक्ट में। राष्ट्रवादी प्रेस और सेंसर व्यवस्था, ये कोई सेंसर से मतलब नहीं था, भारत सरकार देशी रियासतों के बीच क्या करना? संबंध को सुधारना, यही क्या था? बटलर समिति। याद रखें, कुछ नए क्वेश्चन मिले। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। 24 जनवरी 1950। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई? 1909। ठीक है, फिर चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय जो है एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार था, चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, सही है कि नहीं? मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया। किस अधिनियम के द्वारा? फिर आइए, इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, बात सही कि नहीं? जब इसकी पावर घटाई गई तो किसकी पावर बढ़ जाएगी? ब्रिटिश राज की पावर बढ़ जाएगी, मतलब उसकी संप्रभुता क्या हो गई? बढ़ गई। फिर क्या, भारत का राजस्व सीधे ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था क्या? अभी तो कुछ तो है ही, अभी समाप्त कहां हुई है कंपनी, तो सीधे भी नियंत्रण में नहीं। वो नियंत्रण में सीधे कब आएगा? 1858 के एक्ट में सीधे नियंत्रण में आएगा, जिसमें सीधे भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन होता है, और स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया क्या होगा? जो राज्य सचिव है वो नियुक्त हो जाएगा। राज्य सचिव इसके लिए उत्तरदायी होगा,
ब्रिटिश संसद के लिए, तब वहां पे सीधे उसके नियंत्रण में आएगा। अभी क्या है, अभी सीधे नियंत्रण में नहीं है। कौन सा सही है? एक और दो सही, लेकिन तीसरा वाला क्या है, गलत है। समझ पा रहे हो? अंडरस्टैंडिंग, ये सब क्वेश्चन आंसर से ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तुमको सब लग जाएगा सही है, जब पढ़े नहीं होगे तुमको लगेगा तीसरा वाला भी क्या है सही है। फिर आइए सूची एक को दूसरे से मिलित कीजिए। भारतीय शस्त्र अधिनियम, भाई परसों से पढ़ा रहे थे, तुम्हारे बिना पढ़ाया हुआ अधिनियम वगैरह पढ़ाया पता नहीं, सुबह वाले में तो सारे अधिनियम चल रहे थे, तो उसी में हमने भारतीय शस्त्र अधिनियम बताया था 78 में, ठीक है। इसी में मैंने बताया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी बताया था। क्या बताया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, दोनों आए थे लिटन के समय 1878 में। तो उसी का देखिए पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है ये, सोचिए मतलब कोई कोई क्लास में से मान लो उस क्लास को मिस किया और यही कोई लाइन ऐसी ही क्या गई उसमें आ गई, तो तुम अब एक पता है और दूसरा वाला इतनी बार पढ़ाया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में ही पढ़ाया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट हुआ था, भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई 61 में। अब दो ऑप्शन किसी बंदे को मिल गए, एक का दो और कौन है और जो है सी का चार, एक का दो सी का चार, एक का दो सी का है, कोई दो चार वाला ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब कौन ऑप्शन डी ऑप्शन। अब देखिए पहला वाला क्या है मामला, इसको देख लेगा, शाही पद अधिनियम कब है 76 में, और जो बच्चा को भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब है 69 में, डाइवोर्स वाला, क्लियर। तभी मैं एक्ट और कानून उस दिन पढ़ा था कि लिस्ट देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आइए अगला खत्म होने पर है, फिर आइए कहां बचेंगे, लेकिन किसने ब्रिटिश प्रांत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की, किसने शुरू की थी प्रांतीय स्वायत्तता, भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर आ जाइए कहां पे हम लोग पहुंचे 73, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, सॉरी 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित मतलब ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत क्या कर दिए गए, बांट दिए गए थे, बांटे गए थे कि नहीं, जब बांटे गए किसमें बांटे गए थे 1919 में। फिर बताइए निम्नलिखित में से आरक्षित विषय में माने गए थे। अब आइए मान लीजिए आपको नहीं पता, तो अब आपको ये तो पता है कि स्थानीय सुशासन किसमें था, हस्तांतरित में था, तो ये तो पता ही हो नहीं सकता है। अब ऑप्शन पे भी थोड़ा खेल कीजिए, जब बड़े ऑप्शन हो घबराइए नहीं, तो कौन सा ऑप्शन मैच कीजिएगा, स्थानीय सुशासन वाला तो था नहीं, तो जहां पे 2-2 है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, कौन ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी जो है ये भी खत्म, 2 आ रहा है इसमें, और कौन है इसमें भी क्या रहा है, कौन सा लगाओगे सी ऑप्शन लगाओगे, समझ गए थोड़ा बहुत, उतनी इंफॉर्मेशन में तुम्हारा काम हो सकता है, बस कायदे से क्लास लियो, एकदम क्लियर होना चाहिए। अब ये वाला क्वेश्चन हम जब पढ़ाए थे ये दिखाए थे हमने, ये सब जो स्थानीय शासन आप बताते हो लिखा चुके हमसे पहले, ठीक है। फिर आइए क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं साथ ही रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, बच्चे क्रिप्स मिशन में ये बात क्या कही गई थी, प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे, ये बातें सब किसमें आ रही है, संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर बन रहा है, ये सब बात किसमें आ रही थी कैबिनेट, ये वाली बात किसमें आ रही थी जो कैबिनेट मिशन में तो आ रही थी कि जो है प्रांतों से प्रांतीय विधानसभाओं से चुनाव हो रहा था उसमें सदस्य पहुंच रहे थे, देशी रियासतों को भी क्या किया गया था शामिल किया गया था, ये किसमें सब हो रहा था कैबिनेट मिशन, लास्ट वाला जो मिशन था, ठीक है। तो ये तो कंफ्यूजन था नहीं, लेकिन उसमें मैं एक बात कर रहा था कि उसमें कोई भी रियासत कोई भी प्रांत उससे क्या हो सकता है संघ से अलग हो सकता है, ऐसी कोई बात हो भाव वैसा, तो क्या लिखा है नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा, ठीक है, वह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर क्या करे हस्ताक्षर करे, ये सही हो सकता है कि नहीं, मतलब अलग होने का इसमें भाव है कि नहीं, यही तो क्रिप्स मिशन कह रहा था, तो कौन सही हो सकता है केवल दो, पहला क्या है गलत है, तो ये कौन सा क्वेश्चन था लास्ट था, तो ये आपके 74 क्वेश्चंस हो गए। अभी थोड़ी सी दो तीन लिस्ट है बाकी, उनको जल्दी से देख लेंगे, ठीक है लिस्ट देखें ठीक है, उसको भी थोड़ा देख लेंगे हम लोग, बस खत्म होने वाला है सब। इसी माध्यम से तुम्हारा क्या कंप्लीट हुआ, बहुत सारे एक्ट वगैरह क्या हो गए एक हिसाब से रिवाइज हुए कि नहीं हुए बहुत सारे, हाँ। अब इसको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी लिस्ट, इससे क्वेश्चन आ रहे थे कौन सा शामिल है कौन नहीं है, ये ऐसे कट करके आ गए मैच दी कॉलम, ठीक है चलिए इसको भी हम लोग निपटा लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या है मामला, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या, ये अच्छा ध्यान दीजिएगा अंतरिम सरकार क्या बनी है और इसके उपाध्यक्ष भी कौन है जवाहरलाल नेहरू ही है, ठीक है अंतरिम सरकार बनी, अंतरिम सरकार का मतलब जब तक संविधान नहीं बन रहा है तब तक कैसे कंट्रोल किया जाए कैसे संचालित हो गए कार्य वगैरह, तो उसके लिए
राष्ट्रमंडल के संबंध है, विदेशी मामले हैं, ये किसके पास है? जवाहरलाल नेहरू। समझते चलिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का याद रखे, ग्रह है, सूचना है, और कौन है? प्रसारण। इनका जो सूचना और प्रसारण के सामने टिक लगा हुआ जाता है या सुमेलित है या नहीं वाला, या वैश्विक कॉलम। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखे, खाद्य एवं कृषि, कृषि है तो खाद्य अपने आप है, ठीक है। फिर उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, उद्योग जॉन मथाई, मथाई उद्योग कुछ ऐसा बन रहा है, उद्योग और नागरिक आपूर्ति कौन है? जॉन मथाई। फिर अगला जगजीवन राम, जगजीवन राम इम्पार्ट करते हैं कौन है? श्रम, याद रखिएगा। सरदार बलदेव, बल होगा तभी तो रक्षा कर पाओगे, बलदेव कौन हो गया? रक्षा हो गया। फिर सी एच भाभा, भाभा कार्य खनन एवं क्या है? ऊर्जा, ठीक है, ठीक। फिर आइए सी एच भाभा, नाम लो तो ऊर्जा लग रही है, लेकिन सी एच भाभा, ठीक है, तो इसमें कौन से होंगे? ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? कोयला वोयला के खान से मिलेगी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कार्य वगैरह, ठीक है, कुछ याद रखो, ये कंफ्यूज ना हो जाना। लियाकत अली खान, ठीक है, ये कौन है? वित्त है, ये नाम जो सकते हो, लियाकत अली, लियाकत छोटी की माता, यहाँ पर भी वित्त, ठीक है। आई अब्दुल रफन जो है रब निस्तार, ये डाक एवं वायु है, ठीक है, रब वायु में ही है, ठीक है। फिर कौन है? आसफ अली, आसफ अली याद रख सकते हो, रेलवे, आसफ रेलवे, ये रेलवे याद रखेगा। फिर आगे सी रोज गोपालाचारी, वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है? शिक्षा एवं कला। आई आर सुंदरीगर, ये क्या है? वाणिज्य है, कुछ नाम लग रहा है चंद्रीगढ़ और वाणिज्य, ठीक है। फिर आई गजनफर अली खान, गजनफर कौन है? स्वास्थ्य, ठीक है, कौन है? स्वास्थ्य, ठीक है, गब्बर गजनफर ये सब स्वास्थ्य पहुंचाएंगे, ठीक है। फिर कहां पे? जोगेंद्रनाथ मंडल, जोगेंद्रनाथ कहां के हैं? एक बार ऐसे आप लोग बता दीजिए, उधर मत देखिएगा, ईमानदारी को, ईमानदारी पूर्वक उधर को मत देखिएगा, इधर को देख के बताइएगा। विदेशी मामला राष्ट्रमंडल जवाहरलाल नेहरू बता देगा, गृह सूचना प्रसारण बड़ा भाई पटेल, खाद्य एवं कृषि राजेंद्र प्रसाद, श्रम जगजीवन राम, रक्षा बलदेव सिंह, वित्त लियाकत अली, ऊर्जा, ऊर्जा है तो खान है, खान है तो कार्य कौन है? भाभा, ठीक है। खाद्य जो है उद्योग एवं आपूर्ति, उद्योग जॉन मथाई, पूछा रहा है ऐसे। फिर आइए डाक, डाक मतलब डाक वायु, नस्तर कौन है? निस्तार, रब निस्तार। फिर रेलवे आसफ अली, शिक्षा एवं कला जानते हो, वाणिज्य, वाणिज्य चुंदरीगढ़, और स्वास्थ्य कौन है? गजनफर, और विधि कौन है? जोगेंद्रनाथ मंडल। आइए अगली लिस्ट, अब आएगा मैथिली कॉलम, हो जाएगा। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी सदस्य, कार्यकारी परिषद के क्या थे? सदस्य थे, ये भी आगे वायसराय परिषद का प्रमुख रहा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू क्या रहे? परिषद के क्या रहे? उपाध्यक्ष रहे। अगला ये जवाहर, अब देखिए ये स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है, ये पूछा जाए तो अलग आएगा, इसमें देखिएगा कुछ चेंज नहीं, कुछ चेंज हुए कुछ नहीं। सरदार जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री भी रहे, राष्ट्रमंडल रहे, विदेशी मामला रहा, वैज्ञानिक शोध भी करते रहे, ठीक है, तो ये रहता है वैज्ञानिक शोध, एक्स्ट्रा याद रखिएगा, ऐसा आ जाएगा गांधी ने पाओ कौन वैज्ञानिक शोध संबंधित है। फिर आइए सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना प्रसारण राज्यों के मामले इनके पास क्या हो गए? एक्स्ट्रा जुड़ गए, ठीक है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि सेम रहा। अब देखिए शिक्षा में पहले राजगोपालाचारी थे, कौन आ गए? अब्दुल कलाम आजाद। फिर जॉन मथाई, पहले इनके पास क्या था? उद्योग, अब क्या पहुंच गया? रेलवे, रेलवे समझ लो उद्योग से जुड़ गया, ऐसा समझिए कुछ। षणमुखम शेट्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्त किसके पास था? लियाकत अली। किसके पास आ गया? षणमुखम शेट्टी। फिर आइए बी आर अम्बेडकर, ये पहुंच गए विधि से पहले किसके पास था? जोगेंद्रनाथ मंडल। फिर जगजीवन राम श्रम थे, अभी भी इनके पास श्रम ही रहा है, ठीक है। बलदेव सिंह रक्षा रखे, रक्षा सकेंगे नहीं। अमृता कौर कह रहे हैं, अमृत कौर, ये स्वास्थ्य आ गया, पहले किसके पास था? गजनफर अली के पास था। सी एच भाभा जो ऊर्जा थे, अब क्या पहुंच गए हैं? वाणिज्य। फिर आइए रफी अहमद किदवई, ये क्या पहुंच गए? संचार। अब यहाँ पर जो है सूचना, ठीक है। फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी याद रख सकते हो, उद्योग एवं आपूर्ति, उद्योग कौन था? जॉन मथाई थे, कौन उद्योग पहुंच गया? गार्डिन की याद रखेगा, ऐसे नाम कार्य खान एवं ऊर्जा, तो ये भी क्या हो गया? अब ऐसे बताइए जल्दी से एक मिनट के लिए, वैज्ञानिक शोध विदेशी मामले कौन है? राज्यों के मामले गृह सूचना प्रसारण, खाद्य कृषि, शिक्षा अब्दुल कलाम, रेलवे परिवहन जॉन मथाई पहुंच गया, किसके पास? जॉन मथाई। वित्त विधि अम्बेडकर, श्रम रक्षा बलदेव सिंह, स्वास्थ्य अमृत कौर, फिर वाणिज्य सी एच भाभा, संचार किदवई, उद्योग एवं आपूर्ति श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कार्य खान जो है, कार्य खान और ऊर्जा कौन है? गार्डियन। आइए अगला प्रश्न है, लास्ट
देशी रियासत, मैंने क्या कहा संविधान सभा के बारे में, तो 1946 में सीटों का आवंटन कैसे हुआ संविधान सभा में, 11 प्रांत थे ब्रिटिश, ब्रिटिश भारतीय कितने 11 प्रांत, उसमें कितने 292 सीटें, क्लियर 292 सीटें। फिर मैंने क्या कहा जो 93 सीटें किससे थी, देशी रियासत, जो की बाद में जो है संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई तो उसमें शामिल नहीं है, बाद में धीरे धीरे फिर शामिल होने लगे थे आगे चल के, ठीक है। फिर आइए मुख्य आयुक्त वाले प्रांत कितने थे 4, उनसे कितने सदस्य प्रत्येक प्रांत से एक एक था, क्लियर। फिर आइए कुल कितने हुए 389। अब आइए चुनाव का परिणाम जुलाई अगस्त में आ रहा था, कांग्रेस कितनी सीट पाई थी, ठीक है। फिर आइए इसमें मुस्लिम लीग 72, अब आइए यूनिस्ट पार्टी 1, यूनिस्ट मुस्लिम पार्टी 1, यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, देखिएगा यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कंफ्यूजन आएगा, यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट और यूनिस्ट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ठीक है। सिख नॉन कांग्रेस कम्युनिस्ट 1, अच्छा स्वतंत्र कुछ लोग ऐसे जीते किसी पार्टी से नहीं, देखते थे जब कठिन पेपर बनाए तो कह सकता है इनमें से जो है कौन से दल जो है चुनाव जीते, तो नाम दे सकता है यूनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, वहां पर कोई और पार्टी बना दे तो क्या करोगे एलिमिनेट कर दोगे, ये पार्टी थी वो पार्टी नहीं थी। कितने लोग मतलब स्वतंत्र रूप से जीते कोई पार्टी से नहीं जीते, 8, ये भी दिमाग में रखना है, कितने हो गए 296। बढ़िया, एक बार फिर देखेगा मुस्लिम लीग तो याद ही रहेगा, यूनिस्ट पार्टी भी याद रहेगा, यूनिस्ट पार्टी में क्या जोड़ते हैं मुस्लिम, फिर यूनिस्ट पार्टी में क्या जोड़ते हैं शेड्यूल कास्ट, देखो यूनिस्ट वाली 3 पार्टी हो गया सिंपल, फिर मुस्लिम लीग का शेड्यूल कास्ट, फिर कृषक प्रजा पार्टी है उसमें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हो जाता है, फिर सिख है, फिर कौन है कम्युनिस्ट पार्टी, याद रखें कम्युनिस्ट पार्टी पूछ सकता है क्या है कम्युनिस्ट पार्टी, और इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र रूप से कितने रहे 8। फिर अगला अब आइए समुदाय, मैंने क्या बताया समुदाय मतलब जो प्रांतीय जो विधानसभा थी उसमें जो विधानसभा में समुदाय का प्रतिनिधि कर रहा था, तो उस समुदाय मतलब प्रांतीय विधानसभा के समुदाय के सदस्यों द्वारा संविधान सभा में जो प्रतिनिधि उनके उस समुदाय से थे उनको उन्होंने क्या किया चुनाव उनको किया मतलब उनको चुना, मतलब कह सकते हो जो प्रांतीय विधानसभा में जो समुदाय थे उन्होंने अपने हेड को कहां पे चुना संविधान सभा में चुना, क्लियर। तभी संविधान सभा में क्या पहुंचे ये जो हिंदू मुस्लिम सब पहुंच गए कि नहीं, देखिए अच्छा चुनाव हुआ था तो उसमें 3 आधार पर बांट दिया गया था, एक रखा गया सिख, फिर दूसरा क्या रखा गया था सिख के साथ मुस्लिम और सामान्य, हिंदू को क्या कहा गया इनके अलावा जो सिख और मुस्लिम के अलावा जो भी है क्या है सामान्य, जितने भी है सब सामान्य, ठीक है। फिर आइए हिंदू कितनी सीट कितने पाया 163, मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति 31 और भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जनजातियां 6, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3, पारसी 3। अरे तुम्हारे दिमाग में समुदाय वाला पे तो क्वेश्चन आया था तभी तो कर पाए थे जब तुमको पता था क्या संविधान सभा में क्या थे विभिन्न समुदाय के प्रतिनिधि शामिल थे, क्लियर। फिर आइए अब संघ जो है आपकी अच्छा एक बार फिर देखिएगा हिंदू मुस्लिम तो याद ही रहेगा, शेड्यूल कास्ट भी याद रहेगा, अब देखो ईसाई जहां ईसाई है सिख है और पारसी ये भी याद रहेगा, बचा कौन पिछड़ी जनजातियां और कौन बचा एंग्लो इंडियन, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी ये तो याद रहेंगे, अनुसूचित जाति आपको याद रखनी है, एंग्लो इंडियन याद रखना है, कौन सा है पिछड़ी जनजातियां, कभी खतरनाक पेपर बनेगा 1, 2, 3, 4 कर देगा कि इनमें से कौन समुदाय शामिल नहीं था, वहां बौद्ध धर्म दे दे जैन धर्म दे दे पता चले और तुमको लगे सब धर्म थे तो कौन है इसमें बौद्ध नहीं होगा और जैन, लेकिन ये बौद्ध जैन इसमें नहीं है, क्लियर। फिर आइए संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा ने संविधान के निर्माण संबंधी विभिन्न कार्यों के लिए समितियों का गठन किया, 8 बड़ी समितियां इसमें थी यानी छोटी समितियां थी, 8 बड़ी समितियों में कौन कौन है संघ शक्ति समिति कौन है जवाहरलाल नेहरू है, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू है, प्रांतीय संविधान समिति कौन है सरदार पटेल है और प्रारूप समिति कौन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, फिर मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति परामर्श समिति कौन थे सरदार पटेल, इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां भी थी, किस समिति के अंतर्गत इन्हीं के अंतर्गत देखिए मौलिक अधिकार उप समिति थी इसके कौन थे जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति इसके कौन थे एससी मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर और उधर कुछ आंशिक रूप से कुछ छोड़े गए क्षेत्र को के लिए कौन सी समिति बनी थी, मतलब पूर्वोत्तर में कौन सी समिति थी असम को छोड़कर जो क्षेत्र को छोड़कर कौन बनी थी गोपीनाथ बरदोई, छोड़े गए जो छोड़े गए क्षेत्र थे असम का भी क्षेत्र था उसमें सिंचित क्षेत्र के अलावा छोड़े गए क्षेत्र असम के क्षेत्र थे उसमें कौन था एबी ठक्कर, ठीक है, और उत्तर पश्चिम जो आपका कौन है इसका जो देखना पड़ेगा उपसमिति क्या लिखा है प्रक्रिया नियम समिति कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए इंपॉर्टेंट है राज्यों के लिए समिति कौन थी जवाहरलाल नेहरू और जो है राज्य समझौता करने वाली, अच्छा राज्य समझौता करने वाली थी तो क्षेत्रीय परिषद का कॉन्सेप्ट किसने दिया है जो आज क्षेत्रीय परिषद पढ़ाया था हमने तो किसने दिया था जवाहरलाल
क्यों दिया? क्योंकि राज्यों के लिए क्या है, समझौता वगैरह की बात कौन कर रहा है? जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज इसी के साथ हम लोगों ने जो है पूरा कंप्लीट किया है टास्क। ये अब तो आपका टॉपिक वाला जो मैं तो कवर करा चुका हूँ उसको, तो मैं ये बस बताना चाहूंगा तुम लोगों को कि इसी प्रकार हम लोग सब्जेक्ट वाइज और उसमें भी टॉपिक वाइज क्या करेंगे, कवर करेंगे। अब अगला जो है लेक्चर आपको हिस्ट्री का भी मिलेगा, फिर इसी को कंटिन्यू रखेंगे। ऐसे ही जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, साइंस है, हम लोग इसी तरीके से क्या करते चलेंगे, कवर करते चलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।